नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नगर निगम में ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। इस दौरान नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने शास्त्री चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिमा व नगर निगम स्थित ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि 73वें गणतंत्र दिवस पर जनपदवासियों को शुभकामना देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं तथा हम लोगों को समीक्षा करने का दिन है कि हम लोगों ने आज़ादी के बाद कितने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, और यह दिन उन सभी महापुरुषों को याद करने का दिन है जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। उन्होंने कहा, हम सभी लोगों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि देश हित में काम करेंगे, देश का नाम रोशन करें। उन्होंने नगर निगम प्रशासन की तरफ से पूरे देशवासियों को बधाई व शुभकामना दी। इस अवसर पर उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं, और आज ये जो गणतंत्र दिवस है, ये जो पावन पर्व है, ये पर्व आज समीक्षा करने का दिन है कि इतने समय आज़ादी के इतने वर्षों में हम लोगों ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए, कितनी उपलब्धियाँ हासिल की, और अभी हमें कितना आगे जाना है। तो बैठकर समीक्षा करने का समय है। जिन लोगों ने, जिनकी वजह से हमारे देश का एक चतुर्मुखी विकास हुआ है, हम विश्व की महाशक्ति में शामिल हुए हैं, उनको, ऐसे सभी लोगों को शुभकामनाएं देने का दिन है, जिन लोगों की वजह से आज हम एक गणतांत्रिक शक्ति के रूप में पूरे विश्व में जाने जा रहे हैं, उनको अपने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने का समय है। इसके साथ ही साथ आज बैठकर इस एक नई रणनीति बनाने का भी समय है, किस प्रकार से हमारे जो अभी कुछ चीज़ें, जो कुछ नए नए हमको आयाम स्थापित करने हैं, वो अभी बाकी रह गए हैं, उनके लिए एक रणनीति बनाएं, और हम सब लोग एक नया संकल्प लेकर देश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रयास में पूरी ताकत के साथ जुट जाएं। एक बार पुनः मैं अपने पूरे नगर निगम प्रशासन, नगर निगम की पूरी टीम के साथ, उस पूरे जो हमारे गोरखपुर के पूरे अपने प्रदेश की जनता है, उसको अपनी शुभकामनाएँ देना चाहूँगा। और जैसे कि इस वर्ष अगर नगर निगम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा उपलब्धियों का एक जो वर्ष रहा है, और हम आगे संकल्प ले रहे हैं कि आगे भी इसी प्रकार से हम लोग निरंतर जो है अपने जनपद के, अपने प्रदेश के विकास में निरंतर लगे रहेंगे।